हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। दैट इज नोन एज स्ट्रिंग प्रोसेसिंग। कि डाटा स्ट्रक्चर में स्ट्रिंग प्रोसेसिंग में क्या होता है और उसको कैसे डील करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट वी स्टार्ट विद स्ट्रिंग प्रोसेसिंग। देखिए, स्ट्रिंग प्रोसेसिंग में क्या होता है कि सबसे पहले तो जो कंप्यूटर डेवलप किए गए थे वो डेवलप किए गए थे न्यूमेरिकल डाटा को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। लेकिन अब आज के डेट में जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं वो आपका दे आर फ्रिक्वेंटली यूज फॉर प्रोसेसिंग ऑफ नॉन न्यूमेरिकल डाटा कॉल्ड करेक्टर डाटा। तो इनिशियली तो न्यूमेरिकल डाटा ही प्रोसेस करते थे कंप्यूटर, लेकिन अब आज के समय में एकदम फ्रिक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं करेक्टर डाटा को प्रोसेस करने के लिए। करेक्टर डेटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड। अब इसमें क्या होता है कि वन ऑफ द प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इज इन द फील्ड ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। अब करेक्टर डाटा प्रोसेसिंग जहाँ तक बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो कंप्यूटर का यूज़ होता है वर्ड प्रोसेसिंग में, ठीक। तो वर्ड प्रोसेसिंग में क्या होता है कि सच प्रोसेसिंग यूजली इन्वॉल्व्स सम टाइप ऑफ पैटर्न मैचिंग एज इन चेकिंग टू सी इफ ए पर्टिकुलर वर्ड एस अपीयर्स इन ए गिवन टेक्स्ट टी। तो वर्ड प्रोसेसिंग में जो सबसे ज़्यादा स्टेप लिया जाता है, जो काम होता है वो होता है पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग, पैटर्न मैचिंग में क्या होता है कि हमें ये फाइंड आउट करना रहता है कि मान लीजिए हमारे पास गिवन अमाउंट ऑफ टेक्स्ट दिया हुआ है, ये टेक्स्ट है, इसमें कोई, जैसे हमने कहा इसमें फाइंड आउट कीजिए कि कोई भी करेक्टर टी प्रेजेंट है कि नहीं है, और है तो कहाँ कहाँ है, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड पैटर्न मैचिंग। अब इसमें क्या होता है कि आगे हम लोग इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इन द कमिंग वीडियोज वी विल ऑल्सो डिस्कस पैटर्न मैचिंग इन द फुल डिटेल। पैटर्न मैचिंग को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, एज वेल एज पैटर्न मैचिंग करने वाली एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इस आज के चैप्टर पे आते हैं कि स्ट्रिंग प्रोसेसिंग मतलब ये हो गया कि देखिए, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी यूजुअली यूजेस द टर्म स्ट्रिंग फॉर ए सिक्वेंस ऑफ करेक्टर्स रादर देन टर्म वर्ड, सिंस वर्ड हैज अनदर मीनिंग इन कंप्यूटर साइंस। फॉर दिस रीजन मेनी टेक्स्ट समटाइम यूज द एक्सप्रेशन स्ट्रिंग प्रोसेसिंग, यानी कि स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स। अब वैसे तो हम लोग नॉर्मल इंग्लिश में देखेंगे तो सीक्वेंस ऑफ करेक्टर इज कॉल्ड वर्ड, ठीक है ना। लेकिन चूंकि कंप्यूटर साइंस में वर्ड का कुछ और मतलब होता है, इसलिए जहाँ भी आपको सीक्वेंस ऑफ करेक्टर से रिलेटेड ऑपरेशन मिलेंगे वहाँ पे आपको स्ट्रिंग वर्ड मिलेगा। चाहे आप उसको आप देखेंगे ऐसे स्ट्रिंग प्रोसेसिंग लिख दीजिए आप, ठीक है, या आप उसको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, या आप उसको टेक्स्ट एडिटिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जनरली इन्हीं तीनों का इस्तेमाल होता है, स्ट्रिंग प्रोसेसिंग या स्ट्रिंग मैनिपुलेशन या टेक्स्ट एडिटिंग, इंस्टेड ऑफ कि इसको हम लिखें कि दिस इज वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि इन टर्मिनोलॉजी का ही यूज किया जाता है अगर हम सीक्वेंस ऑफ करेक्टर से डील कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। अब दूसरी चीज आती है स्ट्रिंग प्रोसेसिंग की, अगर हम बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करें कि इसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं, तो फर्स्ट वी राइट बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ स्ट्रिंग प्रोसेसिंग। तो यहां हमने लिखा बेसिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है। अब बेसिक टर्मिनोलॉजी में जो बात आती है वो ये है कि देखिए, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि करेक्टर सेट होता है, ठीक है। और ये करेक्टर सेट क्या करता है, ये यूज किया जाता है कम्युनिकेट करने में कंप्यूटर से, ठीक। अब इन करेक्टर सेट में अगर हम करेक्टर सेट की बात करें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, तो जनरली करेक्टर सेट में क्या क्या यूज होते हैं, जैसे हमने कहा अल्फाबेट्स हो गए,
अल्फाबेट्स, और उसके बाद आपका डिजिट्स हो गया, ठीक, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर हो गए, तो हमने लिखा स्पेशल सॉरी स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक। अब जैसे अल्फाबेट्स आपको मालूम है कि ए बी सी डी ई एफ अप टू जेड तक, ठीक। डिजिट्स आपको मालूम है 0, 1, 2, 3 अप टू 9 तक, और स्पेशल कैरेक्टर तो जैसे आपका प्लस का साइन हो गया, माइनस हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, पैरेंथेसिस हो गए, ठीक है, और आपका डॉलर साइन हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये इक्वल टू साइन हो गया, कोट्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। तो द सेट ऑफ स्पेशल कैरेक्टर विच इंक्लूड द ब्लैंक स्पेस फ्रिक्वेंटली डिनोटेड बाई स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर वेरीज समवॉट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। अब ये जो देखिए, ये तो सारे लैंग्वेजेस में सेम ही रहता है, लेकिन ये जो सेट ऑफ स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है, इसमें ब्लैंक स्पेस को भी आप देखें तो ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे ये स्मॉल स्क्वायर से, दिस इज ब्लैंक स्पेस, ठीक है। तो अल्फाबेट्स और डिजिट्स तो सब सारे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के करेक्टर सेट में होते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर जो है वो डिफर करता है लैंग्वेज टू लैंग्वेज। स्पेशल कैरेक्टर्स का जो सेट है वो एक लैंग्वेज में कुछ हो सकता है, दूसरे में कुछ हो सकता है, तीसरे में कुछ हो सकता है, तो इट डिफर्स फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज, क्लियर। अच्छा, अब इसमें बात आती है कि अब हम बात करें कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग तो सिंपली स्ट्रिंग क्या है, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ जीरो और मोर कैरेक्टर्स इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग, ठीक है। कोई भी फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट मतलब उसकी लेंथ फाइनाइट हो, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ जीरोस और मोर कैरेक्टर्स इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग। पहली चीज, द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग इज कॉल्ड इट्स लेंथ। तो स्ट्रिंग लेंथ मतलब क्या होता है, उस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग लेंथ। द स्ट्रिंग विद जीरो कैरेक्टर इज कॉल्ड द एम्प्टी स्ट्रिंग और द नल स्ट्रिंग। तो ऐसी स्ट्रिंग जिसमें नल और एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब जिसमें कोई कैरेक्टर ना हो, दैट इज कॉल्ड नल स्ट्रिंग और एम्प्टी स्ट्रिंग। तो स्पेसिफिक स्ट्रिंग विल बी डिनोटेड बाई इनक्लोजिंग दियर कैरेक्टर्स इन सिंगल कोटेशन मार्क्स। द कोटेशन मार्क्स विल ऑल्सो सर्व एज स्ट्रिंग डिलिमिटर्स। मतलब स्ट्रिंग को जब आप दिखाते हैं तो कैसे दिखाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने ये लिखा सिंगल कोट्स में, एक ये लगाया आपने, आपने लिखा दे एंड इस तरह, तो ये क्या हो गया, ये आपका स्ट्रिंग हो गया। या आपने कहा कि ऐसे आपने सिंगल कोट्स लगाया, आपने लिखा टू बी और नॉट टू बी, और फिर आपने कोट्स क्लोज कर दिया, तो ये एक स्ट्रिंग हो गया। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग दिखानी है तो आप केवल कोट शुरू कीजिए और कोट एंड कर दीजिए, दिस इज एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। या ब्लैंक स्पेसेस दिखाना, दो ब्लैंक स्पेसेस से, तो आपने ये कोट शुरू किया, एक ब्लैंक स्पेस, ये ब्लैंक स्पेस का सिंबल हो गया, दूसरा ब्लैंक स्पेस, ये सिंबल हो गया, और कोट्स क्लोज कर दिया। तो इस तरह से सिंगल कोटेशन मार्क से आप स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें ये जो कोटेशन मार्क्स लगे होते हैं स्ट्रिंग के साथ में, ये डिलिमिटर की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब जैसे इसकी हम बात करें, ये द एंड, तो देखिए इसकी स्ट्रिंग लेंथ जानते हैं कितनी होगी, स्ट्रिंग लेंथ देखिए टी एच ई, 3 ये हुआ, एक ब्लैंक स्पेस 4, फिर 5, 6, 7, तो इसकी स्ट्रिंग लेंथ हो गई 7। यहां पे आप देखेंगे तो ये आएगा हमारे हिसाब से, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ब्लैंक स्पेस को भी एक काउंट करते हैं, इसकी स्ट्रिंग लेंथ आ जाएगी 18, ठीक। इसकी स्ट्रिंग लेंथ कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि कोई कैरेक्टर नहीं है।
इसके अंदर ब्लैंक स्पेस है, दो करेक्टर है, तो इसकी स्ट्रिंग लेंथ हो जाएगी 2। तो ये चीज ध्यान देने वाली है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ और चीजें आपको बताते हैं स्ट्रिंग के बारे में, कि मान लीजिए हमने कहा कि दो स्ट्रिंग है हमारे पास, S1 और S2, ठीक है। अगर हमारे से नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, मान लीजिए हमारे पास दो स्ट्रिंग है, लेट S1 एंड S2 बी स्ट्रिंग्स, ठीक। द स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ द कैरेक्टर ऑफ S1 फॉलोड बाई द कैरेक्टर्स ऑफ S2 इज कॉल्ड द कॉन्कैटिनेशन ऑफ S1 एंड S2। मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा S1 स्ट्रिंग हमारी क्या है, PHE, द S2 स्ट्रिंग क्या है हमारी, एंड, ठीक। अब मान लीजिए कोई ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें ऐसे द है, ठीक है, और उसके बाद फिर बगैर स्पेस दिए ऐसे करेक्टर, इसके करेक्टर के बाद जस्ट ये करेक्टर है, तो इस तरह की जो स्ट्रिंग की जो होती है ये कहलाता है S1 और S2 का कॉन्कैटिनेशन। ये कॉन्कैटिनेशन का सिंबल है, इसको लैंग्वेज में आप लिखना चाहे दिस इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन ऑफ S1 एंड S2। मतलब जहां पे पहली स्ट्रिंग खत्म हो रही है उसके नेक्स्ट करेक्टर से ही दूसरी स्ट्रिंग शुरू हो जाएगी, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन। क्लियर। इसी तरह मान लीजिए आपने कहा कि सपोज कीजिए एक स्ट्रिंग है हमारे पास द, इसको कॉन्कैटिनेट किया हमने किससे, ब्लैंक स्पेस से, फिर इसको कॉन्कैटिनेट किया किससे हमने, एंड से, ऐसे। इसका जो रिजल्टेंट आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा आपका, पहले द आया, फिर क्या है, ब्लैंक स्पेस, तो स्पेस दे दिया हमने और फिर हमने एंड लिख दिया, ये कोट क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब, अच्छा, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन, ठीक। अब जो कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग होती है, ठीक है, उसकी जो लेंथ होती है वो बाकी दोनों स्ट्रिंग का सम होती है। लेंथ ऑफ, अगर हम यहाँ बात करें लेंथ ऑफ S1 कॉन्कैटिनेशन S2 की, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा लेंथ ऑफ S1 प्लस लेंथ ऑफ S2, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज होती है, सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग क्या होता है कि ए स्ट्रिंग वाई इज कॉल्ड ए सब स्ट्रिंग ऑफ ए स्ट्रिंग एस इफ देयर एग्जिस्ट स्ट्रिंग्स एक्स एंड जेड सच दैट। सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए कि किसी स्ट्रिंग के बीच में से कुछ पोर्शन, कुछ कैरेक्टर्स मिला के आप कोई स्ट्रिंग बनाते हैं, वो उसकी सब स्ट्रिंग कहलाती है, ठीक है। इसी को अगर आप डिफाइन करना चाहेंगे तो इस सब स्ट्रिंग का मतलब ए स्ट्रिंग वाई इज कॉल्ड ए सब स्ट्रिंग ऑफ एस इज कॉल्ड ए सब स्ट्रिंग ऑफ एस इफ देयर एग्जिस्ट स्ट्रिंग्स एक्स एंड जेड सच दैट। अगर इन तीनों को हम कॉन्कैटिनेट एक्स, कॉन्कैटिनेट वाई, कॉन्कैटिनेट जेड, अगर हम इन तीनों को कॉन्कैटिनेट कर दें तो हमारा एस आ जाए। तो इस तरह के स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होता है,
एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि इफ एक्स इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग देन वाई इज कॉल्ड एन इनिशियल सबस्ट्रिंग ऑफ एस, एंड इफ जेड इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग देन वाई इज कॉल्ड ए टर्मिनेटिंग सबस्ट्रिंग ऑफ एस। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अभी जो हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था एस इज एक्स कॉन्कैटिनेशन वाई कॉन्कैटिनेशन जेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कहें इफ एक्स इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग, तो वाई क्या कहलाएगा, देन वाई इज कॉल्ड एन इनिशियल सबस्ट्रिंग ऑफ एस, एंड इफ जेड इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग देन वाई इज कॉल्ड ए टर्मिनल टर्मिनल सबस्ट्रिंग ऑफ एस। ये हो गया आपका एम्प्टी इनिशियल सबस्ट्रिंग और टर्मिनल का। इसको एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए। मान लीजिए हमने कहा कि अगर हम टू बी और नॉट टू बी की बात करें, मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है हमारे पास टू बी और नॉट टू बी, ये स्ट्रिंग है। अब इसका एक हम सब स्ट्रिंग निकाल लें, मान लीजिए बी से हमने ये निकाल लिया, ठीक, कि बी और नॉट, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि ये अगर स्ट्रिंग है, दिस इज ए स्ट्रिंग, तो ये क्या कहलाएगा, ये इसका सब स्ट्रिंग कहलाएगा। सिमिलरली मान लीजिए कोई स्ट्रिंग हमने कहा कि द एंड, ये है, तो अगर ये एक स्ट्रिंग है, तो अगर हम केवल द की बात करें, तो ये क्या कहलाएगा, ये इनिशियल सब स्ट्रिंग कहलाएगा, सब स्ट्रिंग ऑफ द एंड। क्लियर? तो ये होते हैं सब स्ट्रिंग। अब इसमें देखिए एक चीज क्लियर है कि इसमें जब सब स्ट्रिंग है तो इफ वाई इज ए सब स्ट्रिंग ऑफ एस देन द लेंथ ऑफ वाई कैन नॉट एक्सीड द लेंथ ऑफ एस। तो ये तो बट ऑब्वियस है कि अगर किसी सब वाई जो है किसी एस नाम के स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग है, तो उसकी लेंथ उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती है, ठीक। अब इसमें स्ट्रिंग प्रोसेसिंग चूंकि हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज आप ये समझ लीजिए, इसीलिए मैं यहाँ पे नोट करके लिख दे रहा हूँ कि कैरेक्टर्स आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर यूजिंग आइदर ए 6 बिट 7 बिट और एन 8 बिट कोड। द यूनिट इक्वल टू द नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू रिप्रेजेंट ए कैरेक्टर इज कॉल्ड ए बाइट। हाउएवर अनलेस अदरवाइज स्टेटेड और इम्प्लाइड, ए बाइट यूजली मीन्स 8 बिट्स। ए कंप्यूटर विच कैन एक्सेस एन इंडिविजुअल बाइट इज कॉल्ड बाइट एड्रेसेबल मशीन। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जनरली कैरेक्टर्स जो स्टोर होते हैं कंप्यूटर में वो 6 बिट या 7 बिट या 8 बिट कोड में स्टोर होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि द यूनिट इक्वल टू द नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू रिप्रेजेंट ए कैरेक्टर इज कॉल्ड ए बाइट, और जनरली 8 बिट को हम एक बाइट मान के चलते हैं, अनटिल अनलेस की वहां पे, या जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन में हम हैं, वहां पे मेंशन ना किया गया हो कि भाई 1 बाइट की क्या लेंथ है, ठीक। तो जो कंप्यूटर इंडिविजुअली इनको इंडिविजुअली बाइट्स को एक्सेस कर सकता है, बाइट्स को रीड कर सकता है, ऐसा कंप्यूटर क्या कहलाता है, बाइट एड्रेसेबल मशीन। ये
छोटी सी चीज आपको बतानी थी, तो ये आप ध्यान में रखिए, दिस इज कॉल्ड बाइट एड्रेसेबल मशीन। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, स्ट्रिंग क्या होती है, एम्प्टी स्ट्रिंग क्या है, सब स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग लेंथ क्या है, सारी चीजें आपको बता दी। अब नेक्स्ट उसमें हम लोग स्ट्रिंग की क्या ऑपरेशन होते हैं, क्या होते हैं, उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।